मेकअप करके जमीन पर बैठ करके कौन खाता है पहले ये बताओ। तो गाइस अब ये देख सकते हैं आप लोग मनीषा गेम। अभी हमारी चीज पेटी भी आने वाली है। एक्चुअली खेलने के बाद थोड़ा भूख लग जाता है। और गाइस ये है चटपटा चीज पेटी। तो जैसा कि आप सभी ने ऑलरेडी देखा है ये हमारा घर। नमस्कार गेम शो, कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज। मैं हूं मिस्टर राज, आप सभी का अपने भाई। और अभी मैं ठीक अपने रेजिडेंस के बाहर खड़ा हूं और मैं दिखाना चाहूंगा यहां आज थोड़ा धुंध है, लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, यू आर हार्डली गोना ट्रस्ट मी, बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट मी कि ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। लग रही है मतलब ठीक है, नॉर्मल है, देख सकते हैं आप एक शर्ट पे। और उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी ठंड हुआ करती थी। तो हम लोगों ने कल नहीं, हम लोग दो तीन दिन से एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि यार डेली अर्ली मॉर्निंग उठेंगे 5 o'clock या 6 o'clock एंड वी विल गो फॉर रनिंग, लेकिन उठ ही नहीं पा रहे हैं, नींद ही नहीं खुल रही है हम लोग। और डेली 7 बजे के आसपास उठना हो जा रहा है और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते, तो आज संडे था नहीं तो उनकी क्लासेस होने लग जाते। तो फिर अभी चलिए आप लोगों को किचन में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मनीषा क्या कर रही है। और आज है 13 दिसंबर, सो 13 दिसंबर की सुबह की शुरुआत हम लोग आज इस ब्लॉग से करते हैं इसका। तो जैसा कि आप सभी ने ऑलरेडी देखा है ये हमारा घर और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। देखते हैं कि मनीषा क्या कर रही हैं। ये देखिए गाना सुन रही है, वाह, और गाना सुन सुन के देखिए क्या बनाए जा रहे हैं। इनका मुंह देखिए एक बार गाइस। She's preparing a tea for herself because I don't enjoy teas. चाय भी बन के तैयार हो चुका है और इसी चाय के साथ मैं आप लोगों को कल कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो कैसे पोत करके जमीन पे बैठी हुई थी अपने मुंह पे। तो वो वीडियोस को चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। खा रही थी, पता नहीं क्या खा रही थी। सो गाइस अब देख सकते हैं ये छोटी सी क्यूट सी बंदर मेरी तैयार हो रही है। अब हमें यूनिवर्सिटी जाना थोड़ी देर में, हो गया सारी तेरी, अब हॉस्टल जाना है ना मेरे को। जाना है ये भी पता चल जाएगा आप लोग को बहुत जल्द। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दी कल के लाइव में कि दी आप कौन सा लिपस्टिक सेट बताओ ना। तो मैं बहुत जल्द फिर से एक मेकअप का वीडियो डालूंगी क्योंकि लेकिन हाँ एक बार आप लोग बोल रहे थे एक बार तो मिस्टर राज मेरा मेकअप करेंगे, थोड़ा ये वीडियो तो बनना चाहिए ठीक है। और उनको मैं सब कुछ बताऊंगी, ये बोलते हैं मतलब इनको सब कुछ आता है लेकिन लाइनर आई लाइनर जो होता है पता नहीं कैसे लगाएंगे, देखेंगे पूरा मुंह बंद। आप लोग देख सकते हैं इनका मेकअप तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा अभी यहीं पे है और बहुत मन कर रहा है मेरे को लगाने का क्योंकि मैं इसे एक आदमी के हल्दी के दिन लगाई थी और मेरे को फिर से मन कर रहा है लगाने का, फिर से उसकी शादी करवाते हैं। चलो फिर से गौतमी वेट्स भावेश, फिर से मन अब तो नहीं होगा। अब मैं अपने हल ये इतना बड़ा शीशा में आपका मुंह आ जाता है। Well everyone, so we are heading towards university, क्योंकि वहाँ पे कुछ हम लोग खेल कूद भी लेंगे और थोड़ा सा बोर हो रहे थे। ये देखिए मेरी वॉचमैन थोड़ा लेट हो जाती है, हर बार खुला हुआ दरवाजा इनसे खुलता नहीं है। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपके कार में। गाइस मैं तो कॉलेज जा रही हूँ लेकिन कॉलेज का मेरा नाम MMU मीन्स महर्षि मार्कंडेय। यहाँ पे एक तो मैं जानना चाहूंगी कि ये नाम क्यों पड़ा रहा हूँ। एक यहाँ मार्कंडेय ऋषि थे जिनका बहुत भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक बहुत समय पहले एक बार सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, बारिश को मंगाया था और उसका नाम था मार्कंडा नदी। तो मार्कंडा नदी उन्होंने मांगा था शायद उसने, तभी ये नदी यहाँ आई और यहाँ पे लोगों को सूखा से छुटकारा मिला, इसीलिए बहुत मान्यता है महर्षि मार्कंडेश्वर की। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी मार्कंडेय के नाम पर हैं और उनको याद करते हैं।
मैं जो भी जगह देखती हूँ तो सोचती हूँ भाई यहाँ जो मेरा प्री वेडिंग हुआ ना, मैं जब जाती हूँ कहीं भी तो लगता है यार यहीं पे प्री वेडिंग करानी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इतना खूबसूरत लग रहा है ग्रीन ग्रीन, बहुत सारे लोग को देखने को भी नहीं मिलता है ऐसा ग्रीन ग्रीन। गाइस अभी हम लोग हैं युवराज सिंह क्रिकेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी में, ये है क्रिकेट ग्राउंड, आप लोग देख सकते हैं ये है क्रिकेट ग्राउंड और ये आवाज़ ही नहीं आएगा। ये अभी खेलेंगे दौड़ेंगे यहाँ से, चलो दौड़ के दिखाओ जरा। अच्छा साइड साइड में पेड़ भी लगाए गए हैं चारों तरफ से स्टेडियम के। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बैडमिंटन लेकर के आ रहे हैं, ये ब्लैक टी शर्ट डाले हुए हैं। तो गाइस अब ये देख सकते हैं आप लोग मनीषा का गेम, और ये छोटू पता नहीं कितने दिनों बाद खेल रही है, देखते हैं कौन जीत रहा है। हरी 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 हरी। ओ भाई साहब ऐसा गेम कौन खेलता होगा धरती पे। इन लोगों का बॉर्डर भी फोन का बना हुआ है। ये बाउंड्री पार करके खेल रही है, वाह बाउंड्री बीच में बाउंड्री के ऊपर खड़ी हो गया, उधर चलो बाउंड्री पार कर। अभी हमारी चीज पेटी भी आने वाली है, एक्चुअली खेलने के बाद थोड़ा भूख लग जाता है ना। और गाइज ये है चटपटा चीज पेटी, ये देखिए अनीशा को मजा आ जाएगा खाने में। फाइनली चीज़ पेटी और बनाना शेक लेकर के हम लोग घर पे वापस आ गए थे, और शाम भी काफ़ी हो चुकी थी, फिर उसके बाद डिनर वगैरह प्रिपेयर करने में टाइम लग गया था, शूट करने का मन नहीं था इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। और अभी तो सुबह हो रहा है और अभी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आज नो सैंडविच नो कुछ भी नो परांठे, आज मैंने बोला कि बनाओ तुम मस्त वेज पास्ता, और अभी आज पास्ता बनने वाला है और उसकी रेसिपी भी आप लोगों को काइंड ऑफ अगले ब्लॉग में थोड़ी मोड़ी दिखी जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ढेरों सारा प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और हाँ गाइस न्यू ईयर का ट्विस्ट प्लस एक सरप्राइज न्यूज़ मिलने वाला है बहुत जल्दी, सो बने रहिएगा ब्लॉग में, और क्या देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।